फौरी रिहाइश, फौरी कब्जा। क्या आप भी एक ऐसे घर की तलाश में हैं जिसका कब्जा आपको 50% अदायगी पर मिल जाए? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 3 की लोकेशन पे, जहाँ आपको 50% अदायगी पर अपने घर का कब्जा मिल रहा है। यहाँ मौजूद है 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी विला, जिन्हें आप 4 साल की आसान तरीन एक साथ से बुक करा सकते हैं सिर्फ 5 और 7 लाख डाउन पेमेंट से। आइए आपको दिखाते हैं कि ये खूबसूरत विला अंदर से भी इतना ही खूबसूरत है या नहीं। और ये है पार्किंग एरिया, जहां आराम से एक छोटी गाड़ी पार्क हो सकती है। और इसके अलावा इन्होंने इस घर में एंट्रिंग के लिए 2 दरवाजे प्रोवाइड किए गए हैं। ये पहला दरवाजा जिससे आप पूरे घर में एंटर हो सकते हैं, साथ ही साथ इन्होंने डाइनिंग रूम के लिए सेपरेट एंट्रेंस प्रोवाइड किए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके यूजली गेस्ट आते हैं तो उन्हें आप यहाँ डायरेक्टली एंटर करवा सकते हैं। अब अंदर चल के देखते हैं ग्राउंड फ्लोर कैसा कंस्ट्रक्ट हुआ। और ये हम आ गए हैं इस विला के लाउंज एरिया में। एंटर होने के साथ ही मौजूद है इनका लाउंज एरिया, जिसमें इन्होंने बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ एक छोटा सा स्पेस प्रोवाइड किया है, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता, जो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है इन्होंने डाइनिंग रूम की सेपरेट एंट्रेंस प्रोवाइड की है और एक बेडरूम नीचे प्रोवाइड किया गया है। आइए हम आपको बेडरूम के अंदर से दिखाते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे। ये है बेडरूम एरिया इस विला का, पहला बेडरूम जिसमें हम एंटर हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉल सीलिंग इन्होंने बड़ी खूबसूरत की है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप हमारी वीडियो में देख रहे होंगे। दूसरा, जब आप साइट पे विजिट करेंगे तो आप बाय फिजिकली खुद भी चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अटैच वॉशरूम दिया गया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी है। ये चीज़ मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो इस वीडियो के थ्रू कि कंस्ट्रक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बिल्डर ने। ये विंडो है जिसके बाहर से आपको एक डक एरिया का व्यू आता है। ये इन्होंने छोटा सा एक वॉशिंग एरिया आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, हम ये भी आपको दिखाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस विला के किचन एरिया की तरफ। यहाँ पे इन्होंने अमेरिकन किचन प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने थीम रखी है वाइट और ग्रे कैबिनेट की। मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बिल्डर आपको ये विला सेमी फर्निश कंडीशन में देगा, मतलब आपको ये जो है ये टर्बो और जो है ये स्टोव लगा के नहीं दिया जाएगा, बाकी आपको ये इसी कंडीशन में विला दिया जाएगा। साथ ही जैसे मैंने डक एरिया का जिक्र किया था, ये है उसकी एंट्रेंस, जिसको आप वॉशिंग एरिया या डर्टी किचन अपने हिसाब से जो आपको फीजेबल हो उसको यूटिलाइज कर। और ये हम मौजूद हैं डाइनिंग रूम में, जिसको आप बेडरूम भी बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया। जाहिर सी बात है, जब आपके जो है विला में कोई भी एंटर होगा तो इसके लिए सेपरेट एंट्रेंस इन्होंने दिए। साथ ही साथ इन्होंने पाउडर वॉशरूम भी प्रोवाइड किया गया है और बाहर एक विंडो प्रोवाइड की गई है, जिससे आप एक अच्छा मंजर इंजॉय कर सकते हैं। और ये हम आ गए हैं इस खूबसूरत घर के फर्स्ट फ्लोर पे, जिसको आप देख सकते होंगे कि इस मॉडल हाउस को उन्होंने कितनी खूबसूरती से फिनिश किया। फॉल सीलिंग देखें तो एक खूबसूरत रॉयल टच दे रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इन्होंने A1 की है। इतना खूबसूरत इन्होंने कशादा लाउंज बनाया, जिसके साथ ही इन्होंने एक छोटा सा आपको रूम या एक स्पेस प्रोवाइड किया, जिसको आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं और यहाँ पे एक स्मॉल सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। साथ ही साथ इस फ्लोर पे इन्होंने 2 बेडरूम प्रोवाइड किए हैं और एक छोटी सी बेलकनी प्रोवाइड की है, जिससे आप इस सोसाइटी का मजीद खूबसूरत मंजर शाम में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बेलकनी के बाद अब बढ़ते हैं फ्लोर के पहले कमरे की जानिब, जिसका साइज 15x15 का है। और आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा अच्छा बेडरूम है ये, जिसके साथ इन्होंने एक अटैच वॉशरूम प्रोवाइड किया गया है। वॉशरूम की कंस्ट्रक्शन आप हमारी इस वीडियो में देख रहे होंगे और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई। और विला आपको ऐसी ही कंडीशन में प्रोवाइड किया जाएगा, सेमी फर्निश कंडीशन में दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि ये फॉल सीलिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ ही ये एक स्लाइडिंग विंडो है, जिससे आप जो है बाहर का व्यू इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अब लेके चलते हैं आपको यहाँ के दूसरे बेडरूम की तरफ। और ये है हमारा दूसरा बेडरूम, जो कि काफ़ी अगेन खूबसूरत बनाया गया है। पर्सनली मुझे ये विला बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसका लेआउट बहुत खूबसूरत है और एक अच्छी छोटी फैमिली के लिए भी बेहतरीन रिहाइश है, जिसको आप सिर्फ 7 लाख से बुक करा सकते हैं। 50% पे बिल्डर आपको पोजेशन भी दे रहा है। कंस्ट्रक्शन मार्बल्स इन्होंने लगाए, इसके साथ आप फॉल सीलिंग देखें इन्होंने कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया। साथ ही साथ अगर मैं अटैच वॉशरूम की सैनिटरी पे बात करूं,
तो वो भी इन्होंने A1 क्वालिटी की जो है अप्लाई की है यहाँ पे, जो है इन्होंने खूबसूरत एक वॉल डिजाइन की है वॉशरूम की, और अच्छे सैनिटरी आइटम्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। दरवाजे की क्वालिटी की बात करें तो ये भी आप देख रहे होंगे कि क्वालिटी कितनी अच्छी है इन दरवाजों की। अब हम आपको लेके चलते हैं रूफ टॉप पर, और इस वक्त हम मौजूद हैं इस 120 यूनिट विला की रूफ टॉप पे, और यहाँ से अगर मैं आपको लोकेशन ब्रीफ करूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है पर्ल विलास। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ यहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्शन, और क्लाइंट के विलास तेजी से तामीर किए जा रहे हैं, जिनका पोजेशन 1 से 2 महीने में तकरीबन 30 क्लाइंट्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सामने मेरे मौजूद है सरजानी सेक्टर 6, जहाँ पे पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट लॉन्च किए जाएंगे। इसी तरह सीधे हाथ पे फलकनास वंडर सिटी का प्रोजेक्ट चाइल्ड विलास अल गफूर ग्रैंड सिटी मौजूद है, मतलब यहाँ पे खड़े होके आपको पूरा व्यू मिल रहा है सोसाइटीज का, एक लिवेबल सोसाइटी है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे विलास तेजी से तामीर किए जा रहे हैं, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये ऑपरेशनल है, यहाँ पे रोज की तादाद में तकरीबन 50 से 100 लोग नमाज की अदायगी करते हैं, और यही नहीं क्लाइंट के विलास और उनके घर के ख्वाब को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी भी जोरों शोर से जारी है। अब आप अगर यहाँ पे अपना विला बुक कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रابطہ करें, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, और ऐसे रोज रोज नहीं आते जहाँ आप 50% अदायगी के साथ अपना तैयार घर बुक करा सकें।